हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेट्रो रेल की एक सीधी भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, मेट्रो रेल के अंतर्गत यहां पर ऑल इंडिया से सीधी भर्ती होने जा रही है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। इस वीडियो को एंड तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। मेट्रो रेल के अंतर्गत अप्रेंटिस के 134 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 28 अक्टूबर 2023 से 28 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। 8050 रुपये प्रति महीना के हिसाब से आपको स्टार्टिंग में सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद आपकी सैलरी यहां पर आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10वीं पास, आईटीआई पास कैंडिडेट यहां पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आयु सीमा आपकी 17 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। फीस की अगर बात करें तो यहां पर आप सभी कैंडिडेट को 150 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका बिना किसी एग्जाम के केवल मेरिट के आधार पर होगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है mahametro.org। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी डिटेल दे दी गई है, जैसे कि आप यहां पर 28/10/2023 से 28/11/2023 तक अप्लाई कर सकते हो। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो सभी डिटेल्स इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इस भर्ती के तहत नागपुर रीजन के अंतर्गत 71 वैकेंसीज हैं, पुणे के अंतर्गत 53 पदों को भरा जाएगा और नवी मुंबई में 10 खाली पद हैं जिनको भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। अपना एलिजिबिलिटी कंडीशंस की पूरी डिटेल भी आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसकी पूरी डिटेल भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही प्रोवाइड करा दी गई है। आपको इस नोटिस को केयरफुली वन बाय वन करके रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर महामेट्रो रेलवे का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपने यहां पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहां पर आपको आर यू ए न्यू एप्लीकेंट के सामने क्लिक हियर टू रजिस्टर इस लिंक पर क्लिक करना है और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। यहां पर आपको सबसे पहले बताना है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, अपना स्टेट सेलेक्ट करें। फिर यहां पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने हस्बैंड या फिर फादर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहां पर एंटर करना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी अप्लाइंग कैटेगरी एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस करें और नहीं करते हो तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन या फिर वार्ड ऑफ ESM या फिर वार्ड ऑफ सर्विस पर्सनल कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर अपना हैंडीकैप टाइप सेलेक्ट कर लें और अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहां पर आपको अपनी आईटीआई क्वालिफिकेशन और ट्रेड जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो या ना करना चाहते हो उसको यहां पर आप सेलेक्ट करें।
आईटीआई पास ट्रेड, यहाँ पर आप बताएं किस ट्रेड से आपने अपनी आईटीआई पास आउट की है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन आप किस ट्रेड के लिए फिल करना चाहते हो, यहाँ पर जिसके साथ आपने अपनी आईटीआई ट्रेड यानी कि आपने अपनी आईटीआई जिस ट्रेड से पास आउट की है वही एप्लीकेशन यहाँ पर आपको शो मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है, आप नागपुर, पुणे या फिर नवी मुंबई जिस भी डिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करते हुए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, अपना एड्रेस आपको प्रोवाइड कराना है, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। उसके बाद आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट का सर्टिफिकेट की कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी, अपने फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे और फिर आपको फीस पेमेंट करते हुए अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। फाइनली सबमिट करने के बाद फॉर्म को आपको उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंटआउट ले लेना होगा फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इस मेट्रो रेल की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।